예? 곰브리, 곰브리. 곰브리, 얘 곰브리 그냥 띄웠어? 어리 얘? 얘, 얘 브릿바래. 얘 안도 바래, 뒀어. हमारे चैनल अलीगढ़ बाजी रन फ्रेंचाइज को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन आएगा, उसको क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलती रहेगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस टाइम बॉबी भाई के सेटअप पर आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं उनके पास ये ज़बरदस्त ये डव है। ये कौन सी डव है बॉबी भाई? ये केम डव है। ये केम डव है और ये डायमंड डब है। ये डायमंड डब है। पहले मैं आपका तारुफ करवाता हूँ बॉबी भाई से। बॉबी भाई अपना तारुफ कराइए। मेरा बॉबी एंथोनी अलीगढ़ से। ये मेरा ही सेटअप है, आप देख सकते हैं। ये कैम डब है और ये जो कलरफुल है ये जी जी गोल्डन फिंच है। ये गोल्डन फिंच है। ये डायमंड डब है, बंगाली फिंच। ये लॉन्ग टेल, ये आउल फिंच है। ये लॉन्ग टेल वाली, लॉन्ग टेल अलग है, आउल फिंच अलग है। ठीक है, ये ब्रीडिंग कर रहे हैं आपके पास? जी हाँ। ठीक, और इसमें क्या बॉबी भाई? इसमें अफ्रीकन ग्रे पैरेट है। इसमें दोस्तों अफ्रीकन ग्रे है। इसमें आप देख सकते हैं इनको बहुत शौक है, हर चीज की वैरायटी रखते हैं ये अपने पास। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा, वो बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है। ये खुमरी है। कौन सी है? खुमरी, खुमरी। खुमरी, ये खुमरी कहलाती है दोस्तों। और ये ब्रीड पर है। ये हाँ। ये अंडों पर है दोस्तों। और ये दिखाते हैं, देखिए ये ज़ेब्रा फिंचेस हैं ये। और ये बजीज हैं इनके पास थोड़े से। और अब ये बजीज की ब्रीडिंग बढ़ाने वाले हैं, मुझसे कह रहे थे सेटअप बनाएंगे इसका और बड़ा। इन्होंने गर्मी की वजह से ब्रीडिंग रुकवा रखी है बजरी की। ये क्या कहलाता है? रेड ड्रम। ये वेड ड्रम कहलाता है। रेड ड्रम, रेड ड्रम, रेड ड्रम, रेड ड्रम कहलाता है। ये मेल है, वो फीमेल है। सामने इसके फीमेल है, देख सकते हैं दोस्तों। ये रेड ड्रम कहलाता है। बस दोस्तों सबसे बड़ी कमी यही है कि ये अपने पिंजरे की सफाई नहीं रखते, बड़ा गंदा पिंजरा कर रखा है। और दाना वाना भी बस सिर्फ कंगनी रखते हैं, पानी रख देते हैं और सॉफ्ट फूड में कभी कभी चावल रख देते हैं बस। तो मैंने इनको बताया है कि ग्रीन फूड बहुत ज़रूरी है इनके लिए। अब देखिए ये मेरी बातों को फॉलो करते हैं या नहीं करते, मैंने उनको समझा दिया है। तो हम इनकी थोड़ी सेटिंग करवाएंगे तो इनके थोड़ा रिजल्ट भी सामने आए। ये आप देख सकते हैं ये अफ्रीकन ग्रे है। अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू एज बताते हैं, डिपेंड करता है। अच्छा, ये कौन सी क्वालिटी है? ये कॉन्गो है, अफ्रीकन कॉन्गो। ये अफ्रीकन कॉन्गो है दोस्तों। 7 साल के, 7-7.5 साल के रिश्ता है। ये 7 साल के आसपास की एज है इसकी। अब दोस्तों इनके यहाँ जो सेटिंग वेटिंग करवानी है वो सेटिंग करवाएंगे इनके यहाँ अच्छी तरीके से, ताकि इनके बाकी के परिंदे जो हैं वो सही से ब्रीड कर सकें और इनका शौक पूरा हो सके। और कुछ परिंदे और लाने की कह रहे थे, लव बर्ड्स वगैरह भी वो लाएंगे, तो अपना हर तरीके के वो बर्ड्स रखना चाह रहे हैं। छत पे इन्होंने अपना सेटअप बना रखा है, तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा सेटअप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और बाकी की जो कमियाँ हैं वो पूरी करवा देंगे इनसे, वो ठीक करवा देंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिए।